नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपर्णा यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव से बगावत करते हुए भाजपा ज्वाइन की थी। उनके बीजेपी में जाने के बाद उनको ना तो कोई चुनाव लड़ाया गया, ना ही विधान परिषद या राज्यसभा के लिए भेजा गया। हाल ही में उनको लखनऊ मेयर के लिए टिकट मिलने की चर्चा हो रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिल सका। पार्टी में उनको क्यों कोई मौका नहीं मिल रहा है, वो क्यों साइड लाइन की जा रही, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन अब ये एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि अपर्णा यादव को लेकर यूपी की सियासत में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर है। इसी कड़ी में करहल सीट काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि करहल सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया है। लेकिन अपर्णा यादव, जो कि यादव परिवार का ये हिस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और एक बार फिर से उनको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। इसके कई मायने सामने आ रहे हैं, वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन एक शिवपाल यादव का एक बयान था जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है, और यह सिर्फ उनका अपमान नहीं बल्कि पूरे यादव परिवार का अपमान है। इसके साथ ही अपर्णा यादव का यह कहना कि मैं परिवार के सदस्य के खिलाफ कभी भी किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ूंगी, और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनको सफ़र करना पड़ रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ना ही विधानसभा ना ही लोकसभा चुनाव में मौका दिया है, और ऐसे में परिवार की पार्टी में क्या अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अपर्णा यादव शायद ही समाजवादी पार्टी में नजर आ सकती हैं। ऐसे समय पर जब समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, उत्तर प्रदेश में पहली नंबर वन की पार्टी बनकर उभरी हो, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें, और जिन 10 विधानसभा सीटों का अगर हम जिक्र कर लें, जिसमें खेर विधानसभा और सीसामऊ आती है, करहल विधानसभा सीट भी आती है, मीरापुर सीट भी आती है, मिल्कीपुर सीट भी आती है, कई विधानसभा सीटें हैं जो कुल मिलाकर 10 है। और यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में पहली बार उपचुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी जहां अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर सकी है कि आखिरकार किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारती हुई नजर आएगी या किस आधार पर उपचुनाव लड़ा जाएगा, यह भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को लेकर भी सामने नहीं आती। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारियों से लेकर वरिष्ठ नेताओं से लेकर सांसद तक भी मौजूद होते हैं, और इनमें फैजाबाद के अवधेश प्रसाद भी मौजूद होते हैं जो लोकसभा का चुनाव जीते थे। और ऐसे में इन तमाम चेहरों के सामने अखिलेश यादव एक निर्णय लेते हैं कि चुनाव में सपा की जीत इस बार जरूर होगी, और यह जीत यादव चेहरे के जरिए होती हुई नजर आएगी। यानी कि आप देखिए, यादव चेहरा आगे किया जाएगा, और अवधेश प्रसाद जब भी मीडिया से बात करते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार सपा 100% सपा की जीत होगी प्रदेश की इन उपचुनाव में, और अवधेश प्रसाद ये भी दावा करते हैं कि फैजाबाद लोकसभा सीट जो अयोध्या के अंदर आती है, तो उसी फैजाबाद सीट के अंदर अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इसको लेकर भी वो दावा करते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर चुनाव वाकई जीता जाएगा। यह सीट जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में जीती है, ऐसे ही विधानसभा चुनाव में भी जीती जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव सरनेम के बलबूते ही सपा से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में गई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव चेहरे के जरिए अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में लगभग 2.5 साल से बरकरार रखा है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। राज्यसभा बीत गया, विधानसभा बीत गया, लोकसभा चुनाव बीत चुका है, तो कई चुनाव यहां पर बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव की जगह किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है। और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव जल्द ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। ये एक बड़ा
सवाल भी है, क्योंकि अभी तक वो बीजेपी में रही हैं और जिस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखी हैं, चाहे आप जहां भी जाइए, अपर्णा यादव चुनाव प्रचार करती हैं, बहुत अहम भूमिका निभाती हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनको ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं सौंपी है जिससे अपर्णा यादव को खुद में खुशी महसूस हो। लेकिन फिलहाल ये जो खबर सामने आई है कि अखिलेश यादव अपर्णा यादव को मिल्कीपुर या कलहर जो भी विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसमें टिकट दे सकती है, तो अभी फिलहाल ऐसे तमाम सवालों के साथ आप बने रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कॉमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्ते।